नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जर्नल साइंस। स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, AL क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है? साइंस का। देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यहां पर देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए आपको यहां पर सूर्य दिखाई दे रहे हैं, यह है हमारा सूर्य, ठीक है दोस्तों। और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ये पादप है दोस्तों। एक सेकेंड, यहां लिख देता हूं, पादप है दोस्तों। पता है आपको, ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं इस सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके। ये प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो स्वपोषी होते हैं ना, उनको उपभोग, उनको उत्पादक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उत्पादक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्पादन कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो भी उत्पादन हो रहा है ना दोस्तों, खाने पीने का, वो सारा का सारा किसके द्वारा हो रहा है? पादपों के द्वारा ही हो रहा है। तो पादप क्या है? उत्पादक है। अब आप बोलेंगे हमारे घर में तो भैंसियां हैं, चार भैंसे, गाय है, गाय भी तो दूध का उत्पादन कर रही है। नहीं, गाय भी किस पर डिपेंड है दोस्तों? गाय अगर पेड़ पौधे या घास नहीं खाएगी तो क्या गाय दूध दूध दे पाएगी? क्या नहीं दे पाएगी? ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो बिना खाए पिए दूध दे सके। ऐसा कोई जानवर है क्या इस धरती पर? कोई नहीं है। जब तक खाएगा पिएगा नहीं, जब तक दूध नहीं दे पाएगा वो। तो कुल मिलाकर शेर को देख लो आप। अब आप बोलेंगे सर, शेर, शेर हिरण को खा रहा है। हिरण किसको खा रहा है दोस्तों? घास को खा रहा है, पेड़ पौधों को खा रहा है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हिरण भी नहीं होगा, खरगोश भी नहीं होगा। और अगर हिरण, खरगोश, गाय, भैंस नहीं होगी तो उनको खाने वाले जो भेड़िया है, शियार है, या जो फिर अपन बोल सकते कोई मगरमच्छ है, या फिर कोई शेर है, ठीक है दोस्तों, बाघ है, चीता है, ये भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सूरज की ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन से जीव होते हैं? पादप कहलाते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, प्रकाश का उपयोग करके, उत्पादक कहलाते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, जो इन उत्पादकों को खाता है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, एक खरगोश है, ये खरगोश दोस्तों क्या कर रहा है? इस घास को खा रहा है, ठीक है ना। ये शाकाहारी होता है। कैसा होता है? ये शाकाहारी होता है। अब खरगोश ने ही घास को खाने का ठेका नहीं ले रखा दोस्तों। ये खरगोश का ठेका नहीं है कि सारी घास वही खाएगा। कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। मैं खरगोश की जगह चाहता तो बकरी भी लिख सकता था, यहाँ पर चाहता तो भैंस भी लिख सकता था, गाय भी लिख सकता था, जिराफ भी लिख सकता था, गधा भी लिख सकता था, कुछ भी शाकाहारी, कोई सा भी प्राणी हो गया। शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो हमेशा किसको खाते हैं? पादपों को, यानी कि उत्पादकों को खाते हैं दोस्तों। और इन्हें किस नाम से जानते हैं अपन? इन्हें अपन जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं इसे? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों। अब माना कि आप देखिए, इस खरगोश को कौन खा गया? कोई कोई जैसे भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया, ठीक है। और ये कैसा हो सकता है? मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी होता है। ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया दोस्त, तृतीयक उपभोक्ता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस भेड़िए को भी कौन खा गया? कोई शेर खा गया दोस्तों। ये भी मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। और भैया ये कैसा उपभोक्ता हो गया? ये हो गया चरम उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता भी बोल सकते हैं या शीर्ष उपभोक्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खा सकता है सभी को, ठीक है। अब शेर को कोई नहीं खाता होगा दोस्तों, ठीक है ना। कोई खाता है क्या शेर का आचार? ठीक है, इधर देखो आप ध्यान पूर्वक। तो पेड़ पौधे ही सिर्फ यहां पर उत्पादक का कार्य कर रहे हैं, बाकी के सारे कौन है? उपभोक्ता है। तो भैया यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करते हैं? भाई देखो, ये खरगोश शाकाहारी था
और ये किसको खा रहा है दोस्तों, ये खा रहा है पादपों को खा रहा है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, दूसरे प्राणियों को देखो ये घास पादप खा रहा है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे खरगोश शाकाहारी है ना, शाक पक्षी है, ये किसको खा रहा है, पादप को खा रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहां पर जो ये भेड़िया और जो शेर है, ये मांसाहारी जो जीव है, जैसे भेड़िया है वो खरगोश को खा रहा है, शेर किसको खा रहा है, भेड़िए को खा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मांसाहारी जो होते हैं वो भी दूसरे प्राणियों को खाते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर दोस्तों प्राणी लिखा हुआ है, पेड़ जो होते हैं वो प्राणी नहीं है, पेड़ जीव है दोस्तों, प्राणी नहीं है। प्राणी मतलब होता है गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, एनिमल को बोलते हैं प्राणी। आई बात आपको समझ में। तो भाई साहब यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है मांस पक्षी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो शेर है वो भेड़िए को खा गया, भेड़िया किसको खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, कभी कभी शेर डायरेक्ट खरगोश को भी खा सकता है। तो ये दोस्तों मांसाहारी जो जीव होते हैं ना वो दूसरे प्राणियों को पकड़ के खा जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे मैं बोलूं एक प्रश्न अगर ऐसा आता कि दूसरे दूसरे जीवों को, दूसरे जीवों को भोजन के रूप में, दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों यहां पर सही ऑप्शन क्या होता, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होता, जैसे मैं बोलूं ए पर यहां पर मांसभक्षी होता, ठीक है दोस्तों, और अगर बी पर यहां पर क्या होता, शाक भक्षी होता, शाक भक्षी होता, ठीक है दोस्तों, और डी सी पर यहां पर क्या होता, ए और बी होता, ए और बी होता, ठीक है, और डी पर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, या शॉर्ट में लिख देता हूं कोई नहीं। अब सही ऑप्शन क्या होगा, देखो मैंने एक शब्द चेंज कर दिया मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर था दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में, प्राणी लिखा हुआ है, ठीक है, प्राणी मतलब हमेशा कोई जंतु ही होता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, जैसे एक होता वनस्पति शास्त्र में सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, एक होता प्राणी शास्त्र जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो जंतु प्राणी ये सब एक ही बात है। तो दूसरे प्राणियों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे मांसाहारी जो जीव होते हैं खरगोश को खा जाते हैं, शेर भेड़िए को खा जाता है, मतलब एक जानवर जब दूसरे जानवर को मारकर खा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, तो मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं। लेकिन यहां पर देखो मैंने क्या ऑप्शन करा, दूसरे जीवों को, यहां पर प्राणी की जगह जीव दे दिया, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो सही उत्तर के अंदर यहां पर आ जाएगा अपना ए और बी, क्योंकि दोस्तों जीवों के अंदर सब आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं शेर भेड़िए को खा रहा है, शेर भी एक जीव है, भेड़िया भी एक जीव है, मैं बोलूं भेड़िया खरगोश को खा रहा है, खरगोश भी जीव है, यहां तक कि मैं बोलूं कि खरगोश इस पादप को खा रहा है, पादप भी एक जीव है। तो भैया मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, अगर जीव हो तो दोनों कर देना, अगर प्राणी हो तो केवल मांस पक्षी रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों, यहां पर चुंबक होगा, क्या होगा यहां पर चुंबक होगा, कि एक चुंबक के अंदर कितने ध्रुव पाए जाते हैं, एक चुंबक के अंदर कितने ध्रुव पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने देखा होगा छड़ चुंबक के बारे में, छड़ चुंबक के बारे में देखा होगा, और ऐसी होती है छड़ चुंबक, कैसी होती है दोस्तों, इस प्रकार की होती है, एक सेकेंड, ये रही हमारी छड़ चुंबक, ठीक है दोस्तों। यहां पर हमेशा दो ध्रुव होते हैं दोस्तों, एक छड़ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं दोस्तों, एक ध्रुव तो एस होता है, साउथ पोल को नोट करता है, किसको नोट करता है, साउथ को, और एक होता है नॉर्थ, जो हमें नॉर्थ के बारे में बताता है दोस्तों। एक सिरा तो साउथ के बारे में जानकारी देता है और एक सिरा नॉर्थ के बारे में जानकारी देता है। अगर आप किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो धागे से, जैसे एक धागा बांध दू और ऐसे लटका दू इसको, इस चुंबक को अगर ऐसे मैं लटका दू ना, तो दोस्तों आप देखेंगे जो नॉर्थ वाला जो सिरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा और जो साउथ वाला सिरा होगा वो साउथ डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर दो ध्रुव है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दो ध्रुव होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, यहां पर
सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? दोस्तों जो सल्फर है ना, सल्फर जल व जलीय विलायकों में, जलीय विलायकों में जो सल्फर होती है ना दोस्तों, वो जल व जलीय विलायकों में पूरी तरह से अविलय है दोस्तों। कैसी है? अविलय है, होती है, ठीक है दोस्तों। और जो कार्बन डाइसल्फाइड क्या है दोस्तों, जो कार्बन डाई सल्फाइड जो होता है में पूरी तरह से विलय है, पूरी तरह से विलय है। परंतु दोस्तों यहां पर मैंने आपको क्या बताया गया है कि जो सल्फर होती है ना, वो आप देख सकते हैं पानी में घोलो नहीं घुलेगी, किसी जलीय विलायक में घोलो नहीं घुलेगी। लेकिन अगर आप किसी कार्बनिक विलायक में उसे घोलते हैं, जैसे कि फिनोल में घोलते हैं, बेंजीन में घोलते हैं, ईथर में घोलते हैं, तो वो घुल जाएगी। और दोस्तों अगर उसको आप कार्बन डाई किसमें घोलते हैं दोस्तों, अगर आप उसको किसमें घोलते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर घोलते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है दोस्तों, विलय हो जाती है दोस्तों। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए था इनको, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड करना चाहिए था दोस्तों। क्या करना चाहिए था, एक सेकेंड, या फिर आप एक शक याद करें यहां पर, है ना, अगर ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो टिक करना इस पर, और अगर कार्बन डाइसल्फाइड भी मिल जाए ना दोस्तों तो भी सही ऑप्शन यही होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो भैया जो सल्फर है वो जल में जलीय विलायकों में पूरी तरह से अविलय है, पूरी तरह से क्या है दोस्तों, अविलय है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में पूरी तरह से विलय होती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर उसको घुलने का प्रयास करेंगे, तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज्वलनशील होती है और बहुत ही ज्यादा विषैली होती है, विषैली गैस उत्पन्न होती है उस दौरान। तो बहुत ध्यान पूर्वक ये कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन भैया, अल्बर्ट आइंस्टीन, कई जगह आइंस्टीन भी मिल जाता है भैया, कई जगह आइंस्टाइन भी मिल जाता है भैया। यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, एक प्रसिद्ध महानतम, भैया महान भी नहीं, महानतम कौन थे? भौतिक वैज्ञानिक थे या भौतिकविद थे? भौतिकविद थे भैया। क्यों थे इतने महानतम भैया? कोई आपने देखा होगा जैसे अमेरिका है, आए दिन प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, ट्रम्प आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है, जा रहे आ रहे, कोई याद नहीं रखेगा 10 साल बाद कौन था प्रधानमंत्री। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, 50 साल पहले भी बच्चा बच्चा जानता था, आज भी जानता, और आने वाले टाइम में भी उनको जाना जाता रहेगा, क्योंकि उन्हें जीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया अल्बर्ट आइंस्टीन को? जीनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनियस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? E=mc² का सिद्धांत दिया था। आई बात आपको समझ में? इसे अपन ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी कह सकते हैं, या सापेक्षतावाद के नाम से भी इसे बहुत पॉपुलरिटी मिली थी दोस्तों। इन्होंने ई मतलब क्या है यहां पर? ई मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहां पर समझो, ई मतलब है ऊर्जा। ई मतलब क्या है दोस्तों यहां पर, एक सेकेंड, ई मतलब है यहां पर ऊर्जा, बराबर ऐसा कैसा। एम मतलब क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। और ये सी मतलब क्या है? प्रकाश का वेग और उस पे स्क्वायर,
या प्रकाश की चाल कर देते हैं स्क्वायर। यहां पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर किसी वस्तु में कुछ ऊर्जा है तो 100% उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। समझ में आई बात आपको? द्रव्यमान मतलब होता कितना भारी है, ज्यादा द्रव्यमान होगा तो भारी होगी चीज। ये पेन मैं आसानी से उठा पा रहा हूं क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। जैसे मैं बोलूं चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, सूर्य का द्रव्यमान इन दोनों से ही ज्यादा है, ठीक है? ऐसी बात होती है, छोटी चीज का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, बड़ी चीज का द्रव्यमान ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों? तो क्या बताया इन्होंने कि अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है ना तो मतलब 100% उसमें द्रव्यमान भी है, ठीक है? और क्या बोला, अगर किसी वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो 100% उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा भी है। तो इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक सापेक्षतावाद या एक एक सिद्धांत दिया कि अगर किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है तो उसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा भी होती है, और अगर किसी वस्तु में कुछ ऊर्जा है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। और किसी वस्तु की ऊर्जा किसके बराबर होती है, किसी वस्तु की ऊर्जा उसके द्रव्यमान में प्रकाश की चाल के वर्ग को गुणा करने पर किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु की ऊर्जा कितनी है इसका अपन गणना कैसे करेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान ले लेंगे दोस्तों, क्या ले लेंगे, वस्तु का द्रव्यमान ले लेंगे और उस द्रव्यमान के अंदर अपन प्रकाश की चाल का जो स्क्वायर होगा उसको गुणा कर देंगे तो उस वस्तु की कुल ऊर्जा पता चल जाएगी। दोस्तों इन्होंने एक है ना प्रकाश उत्सर्जन के बारे में बताया, बताया किसके बारे में बताया इन्होंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया। और इसी की वजह से दोस्तों इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बिल्कुल ईजी है भैया, इन्होंने क्या बताया यहां पर आप देखिए, यहां समझाता हूं। इन्होंने बताया कि अगर अपन सीजियम धातु की एक प्लेट ले, सीजियम धातु की क्या ले ली अपन ने, प्लेट ले ली। ये धातु इतनी मस्त धातु है, इतनी अच्छी धातु है कि इस धातु पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है, क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है, तो पता है दोस्तों इस धातु से क्या निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। इस धातु से क्या उत्सर्जित होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। आजकल आप देखेंगे घरों के ऊपर सौर पैनल लगा लिए लोगों ने, आजकल हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी सरकार जैसे बोल रही है कि हम पैसे देंगे आप सौर पैनल लगवा लो, ऐसे सब्सिडी देते हैं ना जैसे, ठीक है? सौर पैनल के अंदर क्या होता है, धातु की प्लेट है, सीजियम धातु की प्लेट लगी हुई है उस सौर पैनल के अंदर। जब उस प्लेट के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है तो प्लेट उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन फेंकने लग जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन ही किसका निर्माण करते हैं, विद्युत धारा का निर्माण कर देते हैं, जिसे बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार यूज में लिया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो महान भौतिकविद थे ये। अगला प्रश्न क्या है, एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों जो एड्स है ना, एड्स सबसे पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भैया वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है, वायरस के द्वारा होती है, और इसके वायरस का क्या नाम है, HIV। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका ये नाम है। क्या होता है इसके अंदर, देखो अभी मैं नाम से ही बता दूंगा आपको पूरा का पूरा कि क्या है होता है इस बीमारी के अंदर, समझिए आप। जैसे कि एक बंदा है हमारे पास, ठीक है, और इस बंदे की बढ़िया बॉडी है, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, आई बात आपको समझ।
ढाई किलो का हाथ है ये, ठीक है। तो ये 2.5 किलो का हाथ है, बहुत तगड़ा आदमी है ये, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा, हाँ और सुनो मेरी बात, इस भाई साहब के अंदर है ना WBC है। आपको पता है सभी में WBC होती है, WBC क्या होती है? आप में भी है, मेरे श्वेत रुधिर कणिका है। हमारा जो खून होता है ना, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड, उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है या कणिकाएं होती है, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरे प्रकार की होती है प्लेटलेट। जो RBC होती है उसमें रेड कलर का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड या पिंक बोल सकते हैं, कलर का हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण RBC ऑक्सीजन का परिवहन करती है, जबकि WBC में दोस्तों कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए रंगहीन होती है, इसलिए उसका नाम क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, या हिंदी में कहें तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं। दोस्तों श्वेत रुधिर कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है और ये हमें रोगाणुओं से बचाती है। जैसे कोई शरीर पर कोई रोगाणु आया, ठीक है, ये आ गया, जैसे शक्ति कपूर बन के आ गया, ये आओ आज तुझे बीमार करूंगा, है, ये आ गया रोगाणु, लेकिन ये WBC है ना, ये इसको बाहर ही रोक देगी, ठीक है, कि बाहर रहो, है। लेकिन एक एड्स का जो वायरस होता है, ये बहुत खतरनाक है। एड्स का वायरस क्या करता है, जैसे आप देखिए, ये है HIV वायरस। ये जब शरीर में आता है ना, तो ये क्या करता है, रूप बदल लेता है। ये वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं जैसा हो जाता है रूप बदल के। आई बात आपको समझ में? इस कारण WBC इसको पहचान नहीं पाती है और धीरे धीरे ये WBC को मार देता है, किल कर देता है। जब शरीर में WBC खत्म हो जाती है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो ये यहां पे खड़ा है ना, आओ लोलिता, आई बात, ये शक्ति कपूर, ये अंदर घुसेगा और क्या कर देगा, बीमार कर देगा। आगे बात आपको समझ में? तो नाम से तो चल गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब इम्यूनो मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी ला देना, और सिंड्रोम मतलब होता है रोग, मतलब ये ऐसा रोग है जिसमें HIV वायरस शरीर में घुसकर शरीर के इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी ला देता है, शरीर की WBC को मारकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी ला देता है, डेफिशिएंसी ला देता है। तो भैया एड्स होता है वायरस के द्वारा, और दोस्तों एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं, कौन सा परीक्षण करते हैं, एलाइजा परीक्षण करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसकी, फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेट एसे, इस टेस्ट का नाम है। इस टेस्ट से पता लग जाता है कि सामने वाले बंदे को एड्स हुआ है या कुछ और हुआ है। ईसीजी का उपयोग किस अंग के रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, भैया ईसीजी कब करते हैं, ठीक है, जैसे कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर सुन ली बहुत, ठीक है, फोन आया कि भैया खाते से 5 लाख गायब हो गए, कुछ भी ऐसा सुन लिया, एक्स वाई जेड, एकदम में हृदय की धड़कन बढ़ गई, डक 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 डक, डॉक्टर के ले जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा हृदय विभाग में ले जाओ इन्हें, हृदय की दिक्कत है। हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी होती है ना, तो भैया एक ईसीजी की जाती है। हृदय की बीमारियों के लिए क्या की जाती है दोस्तों, ईसीजी की जाती है, ECG। क्या नाम है इसको, इलेक्ट्रो, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है दोस्तों, ठीक है, इस मशीन से कुछ तार निकलते हैं और इस तार को जो ये पेशेंट है ना भाई साहब, ठीक है, एक तार को तो कहां जोड़ देते हैं दोस्तों, जो इस बंदे की कलाई है ना, यहां जोड़ देते हैं,
और जो दूसरा तार है उसको हार्ट के पास में जोड़ देते हैं। इसमें सब पता लगता रहता है, ईसीजी, इसमें तरंगे दिखती है मशीन के अंदर इस स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी आ सकता है, दोनों में से जो भी मिले ना ऑप्शन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो, ठीक है, दोनों ही सही है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा हृदय में होने वाली असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। जबकि दोस्तों अगर मस्तिष्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो भैया क्या की जाती है, मस्तिष्क के लिए क्या की जाती है, जैसे मस्तिष्क में कोई दिक्कत हो गई तो क्या की जाती है, ईईजी की जाती है, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी। क्या नाम है? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। और क्या की जाती है दोस्तों? एमआरआई की जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से फेफड़ों के लिए एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, इसी पर गुर्दे के लिए क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, सोनोग्राफी भी इसे कहते हैं, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, शरीर के जिन कोमल अंगों की, अगर शरीर के कोई सॉफ्ट अंग कोमल अंग है और उसको अगर हमें देखना है स्क्रीन पर या फोटो लेनी है उनकी, तो दोस्तों क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रा वेव्स होती है या जो अल्ट्रासाउंड होती है, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी दोस्तों आवृत्ति कितनी है, कितनी है आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अल्ट्रासाउंड कहलाती है। ऐसी अल्ट्रासाउंड को शरीर के कोमल अंगों पर डाला जाता है, जैसे पेट पर या किडनी पर, और जब वो तरंगे, वो जो साउंड जब किडनी से या पेट से टकराती है और टकराकर जब वो वापस आती है तो मशीन उन तरंगों को कैच कर लेती है और अंगों की इमेज मशीन में आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको मस्तिष्क को देखना है तो भैया इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी करनी पड़ेगी, एमआरआई करनी पड़ेगी। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके ब्रेन के चारों तरफ ब्रेन की इमेज ली जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या होता है, हृदय से जो संकेत उत्पन्न हो रहे हैं, विद्युतीय संकेत उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कैच करके हृदय के बारे में पता लगाते हैं कि हृदय नॉर्मल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंडेंसर का प्रयोग होता है आवेश इकट्ठा करने के लिए। देखो, आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में आवेश इकट्ठा करने के लिए। अब आप दोस्तों खुद ही देखिए, कंडेंसर, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए दोस्तों, आवेश उत्पन्न करने के लिए। अरे भैया, आवेश उत्पन्न करने के लिए नहीं होता, जैसे आपने देखो पंखा होता है, लगाते हैं ना पंखा, घर में पंखा लगाते हैं ऐसे, भैया लो भैया शफ है, अरे एक सेकंड पंखड़ी मुड़ गई, शफ है, सटासट चलेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चलाओ इसे, ऑन करो, धीरे धीरे चल रहा है, फिर लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर है ना वो चेंज करो इसका कंडेंसर। यहां पर एक डब्बी सी लगती है, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे, कंडेंसर। क्या काम करता है कंडेंसर, अगर पंखे में कंडेंसर लगा हुआ नहीं होगा तो पंखा धीरे धीरे वर्क करेगा, धीरे धीरे घूमेगा, स्पीड कम हो जाएगी। पंखे में कंडेंसर लगा हुआ है तो पंखा फक फक सट सट घूमेगा, आई बात आपको समझ में, शक्तिमान की तरह। ठीक है दोस्तों, कंडेंसर ऐसा क्या कर रहा है, कंडेंसर आवेश को इकट्ठा कर लेता है,
कंडेंसर क्या करता है, जैसे आप बिजली ऑन करते हो ना तो आवेश पंखे में बाद में जाता है, पहले किस में जाता है, कंडेंसर में। कंडेंशन उस बिजली को, उस आवेश को थोड़ा स्टोर करके फिर एक साथ पंखे में भेजता है, जिसके कारण पंखा एकदम में ही स्पीड में घूमने, स्पीड बनाने का ये कार्य करता है। तो दोस्तों आवेश इकट्ठा करने के ये काम में आता है। जबकि विद्युत का सुचालक, ये तो कुछ समझ में नहीं आई, जो भी लोहे की चीज है वो विद्युत की सुचालक ही होती है। विद्युत उत्पन्न करने में तो भैया विद्युत उत्पन्न थोड़ी होती है इससे, इसमें तो अपन जनरेटर काम में लेते हैं और सौर पैनल से सूरज की धूप का उपयोग करते हुए ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। डैम जो होते हैं वहां पे पानी गिराकर टरबाइन पर फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये तो होगा ही नहीं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कंडेंसर आवेश इकट्ठा करता है, पंखे पे लगाते हैं, जैसे इसको पंखे पे और भी मशीनों पे लगाते हैं, ये आवेश इकट्ठा करके पंखे में एक साथ भेजता है सारा का सारा आवेश, जिसके कारण पंखे को टॉर्क मिल सके, टॉर्क मतलब उसकी स्पीड बढ़ सके। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहां पर, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, क्या दांत में पाया जाता, क्या हड्डी में पाया जाता है क्या? भैया हड्डी में तो क्या मिलता है, कैल्शियम और फास्फोरस, क्या मिलता है यहां पर, कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। एक सेकंड दोस्तों, कैल्शियम और क्या मिलता है दोस्तों, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फास्फोरस मतलब पी हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कैल्शियम मतलब सी हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से दांत में भी यही है भैया, क्या मिल रहा है यहाँ पर, दांत के अंदर भी दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हृदय में तो भैया हृदय पेशियां पाई जाती है, हृदय पेशियों से बना होता है, हृदय पेशियों से बना होता है, अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां मतलब आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, चाहे आप सोचो चाहे मत सोचो हृदय तो लगातार वर्क करता रहेगा, और जिस दिन हृदय की मसल्स ने कार्य करना बंद कर दिया, हृदय भी बंद आदमी भी बंद, ठीक है। कभी ना थकने वाली पेशियां होती है यहां पर, कभी ना थकने वाली पेशियां किस में पाई जाती है दोस्तों, हृदय के अंदर पाई जाती है, खून में दोस्तों। खून के बारे में आपको कुछ बता देता हूं, सही उत्तर खून होगा। जो खून है ना दोस्तों, इसको रक्त भी बोलते हैं, या इसको दोस्तों रुधिर भी बोलते हैं, या इसको दोस्तों आपने सुना होगा ब्लड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लड भी कहते हैं दोस्तों। और इसके दो भाग होते हैं, तरल भाग जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसमें भैया ये प्लाज्मा होता है 55%, और प्लाज्मा तरल क्यों है, क्योंकि इसमें 90% पानी मिला हुआ होता है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों। जबकि ठोस भाग के अंतर्गत क्या आती है, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं क्या आती है दोस्तों, रुधिर कणिकाएं आती है दोस्तों। रुधिर कणिकाओं में तीन प्रकार की है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको बता दोस्तों आरबीसी लाल कलर की है, क्यों है लाल कलर की, क्योंकि इसमें गुलाबी रंग का आयरन से बना, एफी से बना एक प्रोटीन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। कैसे कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, बहुत ज्यादा होने के कारण आरबीसी लाल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है ये क्या काम करता है, ये O2 को, ऑक्सीजन को आरबीसी के साथ बांधने का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है, ग्लू का कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो खून सही उत्तर होगा यहां पर, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। अब यहां पर भी देखो ऑप्शनों के अंदर वही, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यहां पर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, क्या दिया हुआ है, पानी, वसा, प्रोटीन। दोस्तों जो शरीर मुख्यतया बना हुआ होता है ना, वो बना हुआ होता है प्रोटीन के द्वारा। किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन में इस तरह का नहीं आएगा ऑप्शन। आई बात आपको समझ में। देखो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसका स्रोत क्या है भैया, स्रोत क्या है, अनाज, फ्रूट। ठीक है दोस्तों, अनाज और फ्रूट से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे आलू हो गया, इससे मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों वसा है, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। और इसका स्रोत क्या हो गया भैया, किससे प्राप्त होता है वसा, घी, तेल, मक्खन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर हो गया प्रोटीन, और भैया प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसलिए आपको पता है प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, मतलब बॉडी का निर्माण करने वाला। कई लोग बॉडी बनाने के लिए पीते हैं प्रोटीन शेक, ठीक है। और स्रोत क्या है यहां पर, प्रोटीन शेक को छोड़ो भैया, आप तो दाल गालो दबा के, स्रोत क्या है, मांस, मछली, अंडा, अंडा, दूध, दालें। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन है। और एक बात ध्यान रखना, शरीर में 90% तक क्या हो सकता है, पानी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, शरीर में 70% तक पानी हो सकता है, जबकि जो दोस्तों शरीर लिख देता हूं यहां पर, और जो पादप है ना दोस्तों, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें 90% तक क्या होता है, पानी होता है। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग रीडिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। यहां पर आप देखिए दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, जो CO2 गैस है ना दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे प्लस दाब लगाएंगे इस पर, अधिक दाब और ठंड में ये बर्फ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, ये है बर्फ में बदल जाएगी दोस्तों। और ये जो बर्फ होगी ना, ये कैसी बर्फ होगी, ये बर्फ होगी शुष्क बर्फ होगी दोस्तों। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। ये जो शुष्क बर्फ है ना दोस्तों, ये धीमे 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 या फिर बहुत अधिक समय तक ठोस बनी रहती है, बहुत अधिक समय तक ठोस व बहुत अधिक समय ठोस व ठंडी बनी रहती है दोस्तों। आपको पता है, अगर आपने CO2 गैस को कम तापमान कर दिया, उसका ताप बढ़ा दिया, तो बर्फ में बदल जाएगी दोस्तों। और आपको पता है, जब ये बर्फ पिघलती है तो ये द्रव में नहीं बदलती है, ये किस में बदलती है, वापिस CO2 गैस में बदलती है। मतलब ये बर्फ डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है दोस्तों। और चाहे तो आप उस गैस से वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। द्रव अवस्था यहां पर नहीं बनेगी दोस्तों। और इस बर्फ की क्या खासियत है, समझो आप समझो। जैसे कि माना कि मेरे पास आइसक्रीम है, और मैं आइसक्रीम को लंबे समय तक ठंडा, और है ना, मैं चाहता हूं मेरी कड़क हो जाए आइसक्रीम, को जम जाए अच्छे से, मजा आ जाए, ठीक है। अगर मैं आइसक्रीम के चारों तरफ अगर नॉर्मल बर्फ डालूंगा, तो वो बर्फ थोड़ी देर बाद पिघलने लग जाएगी दोस्तों, पानी पानी हो जाएगा आइसक्रीम के चारों तरफ, और आइसक्रीम ठीक प्रकार से ठंडी नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों जो शुष्क बर्फ होती है, या जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको मैंने CO2 गैस को बहुत ज्यादा ठंडा करके बनाया गया है, ये बर्फ पता है बहुत धीरे 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 वापिस गैस में कन्वर्ट होती है। अगर आप आइसक्रीम के चारों तरफ या किसी चीज के चारों तरफ इस बर्फ को डालोगे, तो लंबे समय तक ठंडा बनाए रखेगी, और हो सकता है उसको जमा ही दे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन दोस्तों, इसको कभी भी निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए घातक हो सकती है।
अगर कोई जैसे अपन घर में से गर्मी के अंदर अपन आइस क्यूब को ये निगल लेते हैं, चबाने लग जाते हैं, हाँ, ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन शुष्क बर्फ को कभी भी खाना नहीं चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, ये इतनी ज्यादा ठंडी हो सकती है कि अंदर चिपक सकती है, आपके टिश्यू को हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। और तो और दोस्तों, अगर शुष्क बर्फ अंदर जाएगी पेट में तो वो द्रव में नहीं बदलती है, पिघलती नहीं है, वो गैस में कन्वर्ट होती है, तो अंदर आंत वगैरह फट भी सकती है उस गैस के कारण। ठीक है, तो शुष्क बर्फ वाली बात है। और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, उपयोग क्या है, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब होता है ठंडा करना, क्या होता है, ठंडा करने के काम में आती है, ठंडा करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखिए, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है। यहां पर बोला हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर क्या बताया गया है कि इसरो या ISRO एक शॉर्ट वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसरो का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या भारतीय मानक सड़क संगठन, भारतीय समुद्र अनुसंधान संगठन, भारतीय भारत श्रीलंका सड़क संगठन, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों कुछ बातें बता रहा हूं, सारी की सारी ही इंपोर्टेंट है। इसरो क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई मतलब इंडियन, ठीक है दोस्तों, एस मतलब स्पेस, इंडियन स्पेस, आर मतलब रिसर्च रिसर्च, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों इसका नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भैया इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1969, मतलब 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना दोस्तों, वो कौन थे, विक्रम साराभाई थे। कौन थे, विक्रम साराभाई थे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अनुसंधान मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई खोज चल रही है, उसको अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई दोस्तों। और हां, इसके कार्य क्या है, ठीक है दोस्तों, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में खोज करना, आविष्कार करना दोस्तों, ठीक है, उपग्रह रॉकेट आदि से संबंधित जो भी कार्य है, कि कौन सा उपग्रह कब भेजना है, कैसा रॉकेट उसको लेकर जा सकता है, ये सारे के सारे कार्य कहां होते हैं दोस्तों, इसरो के अंदर किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। एक उदाहरण समझाता हूं दोस्तों, यहां पर आप देखिए दोस्तों, समझना, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं रासायनिक संयोग, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए, जैसे मैं बोलूं HCl और यहां पर मैं क्या बोलूं NaOH, ये अम्ल है, ये क्षार है दोस्तों, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, NaCl बन गया दोस्तों, ठीक है, और बन गया H2O। ये दोस्तों नमक है, ये दोस्तों जल है, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। समझ में आई बात आपको, ये क्या है भैया, ये है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है भैया,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। दोनों को जब मिलाया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो नमक बन गया दोस्तों, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जल बन गया दोस्तों। ये एक रासायनिक संयोग है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नमक है ना, ये जो है ना दोस्तों, एक यौगिक है, ये यौगिक है। अब पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, सर ये यौगिक क्यों है? तो भैया ये यौगिक क्यों है, ये इसलिए यौगिक है क्योंकि इसका एक निश्चित फॉर्मूला है। क्या है इसका? एक निश्चित फॉर्मूला है। क्यों है ये NaCl एक यौगिक? क्योंकि क्या है दोस्तों, इसका निश्चित फॉर्मूला है। दूसरा, यह है, यह एक रासायनिक संयोग से बना है। किससे बना है? रासायनिक संयोग से बना है, संयोग से बना है। और क्या कारण है ये यौगिक क्यों है? ये यौगिक दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसमें अवयव, या जो इसके अवयव है ना, जैसे NaCl में Na और Cl, अवयव तत्व या जो अणु होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। भैया आप चाहे नमक किसी गरीब के घर से ले लो, चाहे किसी बहुत अमीर व्यक्ति घर से ले आओ, माइक्रोस्कोप में देखो, हमेशा नमक के एक अणु में एक NaCl और एक Cl होगा। चाहे आप नमक अमेरिका से ले आओ, चाहे अफ्रीका से ले आओ, चाहे नेपाल से ले आओ, सभी जगह का जो नमक होगा वो सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। और सोडियम क्लोराइड में हमेशा सोडियम और क्लोराइड का एक निश्चित अनुपात होगा दोस्तों। आगे बात आपको समझ में, इसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है नमक का NaCl। और भी बहुत, जैसे मैं बोलूं कि HCl भी दोस्तों एक यौगिक है क्योंकि इसमें हमेशा H और एक Cl होता है। आप कहीं से भी ले आओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमेशा हमेशा उसमें एक H और एक Cl ही होगा। इसी प्रकार से बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे भैया आप दुनिया में कहीं से भी ले आओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला होगा NaOH। हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में एक Na और एक OH ही होगा। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो दोस्तों यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों का क्या होता है? एक निश्चित फॉर्मूला होता है दोस्तों। यौगिकों का एक निश्चित फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बोलूं ना, नमक का एक फॉर्मूला है NaCl, मैं बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला है NaOH, मैं बोलूं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक फॉर्मूला है HCl, इनका एक हमेशा निश्चित फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ये रासायनिक संयोग से बने होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये इनमें जो घटक पाए जा रहे हैं या जो तत्व पाए जा रहे हैं, अणु पाए जा रहे हैं, उनका एक हमेशा निश्चित अनुपात है। नमक में आप देख लो, एक Na रहेगा, एक Cl रहेगा। लेकिन दोस्तों जो मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण में आप देखेंगे, जैसे मैं बोलूं कि भैया देखो इधर देखो, चाय की पत्ती लिया है भैया, चाय की पत्ती ले लिया, पानी ले लिया, मैंने क्या ले लिया दोस्तों, पानी ले लिया, पानी को गर्म किया, ठीक है, पानी में चाय की पत्ती डाल दी, थोड़ी बहुत भैया इलायची डाल दी, ठीक है, क्या डाल दी, इलायची हो गया है तो, है ना, एक सेकंड, इलायची डाल दी, थोड़ी बहुत शक्कर डाल दी, क्या बना, चाय बना। अब भैया ये चाय क्या है, ये मिश्रण है या यौगिक है? भैया ये मिश्रण है। क्या है? ये मिश्रण है। क्यों है भैया ये मिश्रण? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं है कोई। क्या है इसका कोई फॉर्मूला? क्या कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों? आई बात आपसे, जो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसमें इसमें तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं नहीं तो भैया मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे मैं बोलूं, मार्केट में मिलती है पेप्सी, पेप्सी में थोड़ा फॉस्फोरिक एसिड मिला हुआ है, थोड़ी शक्कर मिली हुई है, थोड़ा पानी मिला हुआ है, थोड़ा अम्ल मिला हुआ है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और मस्त पेप्सी बन गई। लेकिन पेप्सी एक मिश्रण है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसका कोई अणुसूत्र है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं। तो मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में यूं घोल दिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तो नया जो बनने वाला पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है। जैसे चाय हो गया, लस्सी हो गई,
ठीक है दोस्तों, नींबू पानी हो गया, इसी कोल्ड ड्रिंक हो गई, सारे के सारे मिश्रण है दोस्तों। लेकिन दोस्तों नमक एक यौगिक है, क्योंकि नमक में हमेशा एक एन रहेगा, एक सीएल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है दोस्तों, हल्का नीला होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न क्या है, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो भैया शरीर की सबसे बड़ी पेशी है ना दोस्तों, बड़ी जो पेशी है वो जांग की पेशी है। किसकी पेशी है दोस्तों? जांग की पेशी है। ठीक है, जांग या थाई भी बोल सकते, थाई भी बोल सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मजबूत शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी, मजबूत पेशी कौन सी है, तो दोस्तों जबड़े की पेशी, जबड़े की। अरे भाई 24 घंटे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, चपड़ चपड़ चपड़, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो लगातार जबड़े की क्या होती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है, तो अपने आप ही हड्डी क्या हो जाती है, मजबूत। तो ये पेशी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो जबड़े की पेशी से क्या होती है, सबसे मशहूर दोस्तों मजबूत होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ ले आपसे, भैया कान में होती है, कान में क्या नाम है, स्टेपीज। ठीक है, कई जगह स्टेप्स के नाम से भी आ जाता है, ठीक है कंफ्यूज मत होना, स्टेपीज हो या स्टेप्स हो, कान में एक छोटी सी हड्डी हो, तीन हड्डी होती है, तीन हड्डी इधर होती है इस वाले कान में, तीन हड्डी इस दूसरे वाले कान में होती है। क्या नाम है इस हड्डी का, मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस इनकस स्टेपीज। जो स्टेपीज नामक जो हड्डी है ना वो सबसे छोटी होती है, ठीक है दोस्तों, कान में ही मिलती है। आपसे बोलते भैया कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो भैया जांग की हड्डी, जांग की हड्डी से फीमर कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो शरीर में सबसे मजबूत पेशी किस में होती है दोस्तों, हाँ जबड़े के अंदर पाई जाती है। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है दोस्तों, शुद्ध जल का मतलब है उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई है, बिल्कुल साफ है, तो रंगहीन होता है दोस्तों, बिल्कुल पारदर्शी होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज मैंने आपको ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है आए होंगे। अगर थोड़े भी समझ में आए ना दोस्तों तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर किसी अगले दिन। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।